तो ये भैया मैं भी उधर पहुंच चुका हूँ और इधर इतनी सारी बाइक्स खड़ी हैं, तो अपनी बाइक भी फिर घुसेड़ देते हैं इधर कहीं फिर। और हरून भाई जो है वो पहले से इधर आ चुका है। हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत है सर? पीछे ही आ गए। पीछे ही आ गया। एक तो हरून साहब डब्बा मिठाई लग रहे हैं, मैं बंदे आंदे उसने भी डब्बा मिठाई चुके आया है। हैं? तुसी आपदे वारे तेरे खाने नु। अस्सलाम वालेकुम सर, की हाल है? खैरियत है? बिल भर दे तो जनाब इधर से हम बिल बनवाते हैं अपने स्कूलों के, और जो स्कूलों का बजट आता है तो वो उधर से इनकी फर्म से बिल बनवाते हैं, और बाकी स्टेशनरी वगैरह का सामान भी इनके पास अवेलेबल है तो वो भी फिर इधर से ही ले लेते हैं। मैंने स्कूल का कुछ सामान लेना था, बोर्ड मार्कर और वाइटन वगैरह और पेंसिल, तो रिम वगैरह कागज होते हैं तो जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होते हैं स्कूल में, तो वो भी अरुण साहब इधर आए थे तो उनको मैंने दे दिया वो सामान। मैंने कहा वो लेते आना आप, तो मुझे थोड़ी जल्दी थी, वो उधर जाना है कचहरी बाज़ार, वहाँ से एक डिवाइस ली थी पिछले दिनों, वो ख़राब निकली थी तो वो अभी चेंज करनी उधर से जाकर, तो अभी जा रहा हूँ मैं उधर। तो उसके बाद बुक ली थी, भाई की बुक लाया था साथ में, वो अमीपुर बाज़ार जाना है, तो अमीपुर बाज़ार आपको शायद पता हो किताबों के लिए मशहूर है, तो उधर से मिलेगी PPSC की बुक, भाई कैरी करता है तो वो उधर जाना है, तो पहले कचहरी बाज़ार उसके बाद अमीपुर बाज़ार, तो फिर चलते हैं उधर। लेट हो रही है, जल्दी आज भाई ने कॉल कर दी थी इसलिए जल्दी थोड़ी जाना पड़ेगा। तो ये है भैया वो डिवाइस जो इधर से ली थी, ब्लूटूथ वाले एयरफोन, तो हमने सोचा हम भी अपना शौक़ पूरा कर लेते हैं, तो ये लिए थे तो ये आगे से ख़राब निकले। अभी फिर मैं दोबारा आया उनकी दुकान पर, उनकी शॉप पर, तो उनको कहते हैं कि ये ख़राब हैं तो चेंज करके दे दें। तो ये मैं उनकी शॉप पर पहुंच चुका हूँ, तो भाई को डिवाइस देते हैं और कहते हैं कि इसे चेक कर दें। ये शॉप जो है ये भी कचहरी बाज़ार में वाक़ है, तो जो ये कचहरी बाज़ार है फैसलाबाद का, तो ये मोबाइलों के लिए मशहूर है, मोबाइल कवर वगैरह वो भी इधर से अवेलेबल हैं, और डिवाइसेस वगैरह और हर तरह का सामान जो है वो इधर से अवेलेबल है। भाई को इधर दे दी दुकान पर हेडफोन, उन्होंने कहा कि मैं चेक करता हूँ, अगर उसमें कोई मसला है तो वो ठीक कर देंगे, तो अगर चेंज करनी हो तो चेंज करके दे देंगे। तो मुझे फिर अभी तक उधर काम है आगे, बुक जो है भाई की वो चेंज करनी है, वो पहले बुक PPSC की तैयारी कर रहा था भाई, तो वो चेंज करनी है, वो मैं कर लूँ उतनी देर तक, उसने कहा 10-15-20 मिनट लग जाने हैं, उतनी देर तक मैंने वो काम कर लेना है, तो उसके बाद आते हैं फिर वो काम कर लें उतनी देर तक। ये है जी फैसलाबाद का कचहरी बाज़ार, तो यहाँ हर वक्त बहुत ज़्यादा रश होता है, हमेशा इतना ही रश होता है, तो एक आज से ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल तो है, बाकी कोई नहीं, मैंने कहा आपको भी दिखाते हैं, सामने मेरे घंटाघर है आपको वो भी दिखाते हैं, फैसलाबाद का जो मशहूर घंटाघर है क्लॉक टावर, जिसकी वजह से फैसलाबाद मशहूर है पूरे पाकिस्तान में, वो भी आपको दिखाते हैं। अभी उधर जा रहा हूँ मैं, आगे भी काम था, 8 बाज़ार इधर से निकलते हैं, तो मुझे अभी जाना है अमीपुर बाज़ार, वहाँ पर बुक चेंज करनी है, तो दिखाते हैं आपको बुक स्टॉल भी, बुक्स की किताबें भी दिखाते हैं और घंटाघर भी दिखाते हैं आपको। तो ये जी हमारे बिल्कुल सामने घंटा घर आप देख सकते हैं, तो फैसलाबाद का सबसे फेमस एरिया ये है, सबसे फेमस और सबसे रश वाला इलाका, तो सबसे ज़्यादा कारोबार इधर ही होता है, सबसे ज़्यादा मार्केटें भी इधर ही हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 बाज़ार हैं। तो चेक करिए कि अभी मुझे दूसरी तरफ से गोल चक्कर घूम कर आना पड़ेगा अमीनपुर बाज़ार, तो अभी फिर ये गोल चक्कर घूमना पड़ेगा, तो ये सेंटर में गोल चक्कर है, सेंटर में घंटाघर है और उसके साइडों पर 8 बाज़ार है, तो अगर आपको 8 बाज़ारों के नाम पता करना हो तो वो अभी तो मैं आपको नहीं बता सकता, तो अगर आपने पता करने हो तो मुझसे कमेंट में पूछिएगा तो आपको बता दूँगा, तो उतनी देर तक आप घंटाघर की सैर कीजिए।
घंटाघर है, अभी मुझे जाना है अमीनपुर बाज़ार। अभी मैं अमीनपुर बाज़ार आ चुका हूँ और इधर से बुक्स मिलनी है, लेकिन अमीनपुर बाज़ार के एंड पर जो है बुक्स की किताबें हैं, तो मुझे एंड पर जाना होगा। तो ये बुक मैं लाया था PPSC मॉडल पेपर्स और पास पेपर्स, और ये चेंज भी करनी है अगर होगी तो, नहीं तो उसके साथ नहीं भी लेनी है कुछ बुक्स। तो चलते हैं फिर अभी शॉप के अंदर, देखते हैं फिर क्या करते हैं वो क्या करते हैं। तो अभी जो कार वहाँ की जनरल नॉलेज कॉम्प्रिहेंसिव, वो भाई मुझे रिकमेंड कर रहा है, और इनके पास बुक्स तो काफ़ी पड़ी हैं, तो वैसे मुझे वो रिकमेंड कर रहा है कि वो बुक अच्छी है PPSC पेपर्स के लिए, तैयारी के लिए। तो अभी इनकी दुकान तो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बुक्स पड़ी। भैया ये वाली बुक जो है चेंज नहीं हो सकती, ये बहुत पहले की, जब मैं पढ़ता होता था, जब मुझे पढ़ने का शौक था, तो मैंने 2-3 दुकानों से पता किया, वो कह रहे हैं भाई ये 40वां एडिशन है, और अभी तो जो है 79 यानी कि 80 एडिशन आ गया, 80 एडिशन आ गया, 79 एडिशन आ चुका है। तो अभी फिर नहीं ले लेते हैं इसका, तो इसको भी रखते हैं फिर, कैरी वगैरह कर लेते हैं, कभी कभी मतलब पढ़ ही लेता है भूल चूक कर। तो अभी फिर जा रहे हैं उधर, उधर से लेते हैं दुकान को कॉम्प्रिहेंसिव की जनरल नॉलेज, वो बेस्ट है, तो वही फिर ले लेते हैं। ये तो अभी चेंज नहीं होगी, तो ये भी रखते हैं, अभी आपको दिखाते हैं फिर वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, फिर आई दे दो बुक जनरल कॉम्प्रिहेंसिव जनरल, ये वाली दे रहे। बुक मैंने ले ली है, पहले वाली भी रख ली पास ही, तो अभी फिर मैं जाने लगा उधर, वो हेडफोन वो भी बन गया होगा, टाइम लगा था, उधर जा रहे हैं फिर। रश बहुत ज़्यादा है मतलब शहर में, उधर हमेशा इतना ही रश होता है, तो चलते हैं फिर उधर। यहाँ पर भैया आपको सारी जो शॉप्स हैं वो बुक्स की शॉप्स ही मिलेंगी, तो ये आप चेक करें इंसाफ बुक सेंटर, अली बुक सेंटर वगैरह वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर सारी जो शॉप्स हैं वो बुक्स की शॉप्स ही हैं, तो आपको हर तरह की बुक यहाँ से मिल सकती है जिस तरह की आप चाहेंगे। तो इधर रश भी बहुत ज़्यादा होता है, हर वक्त रश इतना ही होता है, तो ये आप चेक करें, ये सारी शॉप्स बुक्स की है। तो मैंने जो बुक्स ली हैं वो फाइन बुक्स शॉप का नाम है, वहाँ से ली हैं। तो अभी फिर चलते हैं आगे, उधर वो काम हो गया होगा होगा। अगेन रशिंग टुवर्ड क्लॉक टावर, बट आई एम गोइंग टू रॉन्ग साइड, तो मैं जो ना गलत जा रहा हूँ, वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, क्योंकि इधर सिर्फ बाहर आने का रास्ता, अंदर जाने का रास्ता नहीं है, तो मुझे देखना होगा एहतियात से, अगर वार्डन वाला आ गया सामने तो मसला हो जाएगा, तो क्योंकि मुझे पता है ना, जब स्टूडेंट थे तब मुझे एक दफ़ा रोका था वार्डन वाले ने इधर, उसने कहा भाई इधर से सिर्फ बाहर जाने का रास्ता, अंदर आने का रास्ता नहीं है, तो तब से मुझे पता है। तो चलो देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा, वार्डन से बच कर जाएंगे। तो भैया क्या मतलब, मैं डरता हूँ वार्डन वाले से? हाँ नहीं यार, डरता तो नहीं हूँ, लेकिन बट मैं ये कहता हूँ कि वो कोई बात ना करे, अगर कोई ऐसी वैसी बात कर देगा तो फिर मसला हो जाएगा ना, तो जस्ट फॉर इज्जत। तो एक तो मैं पहले गलती कर रहा हूँ, रॉन्ग साइड पर जा रहा हूँ, तो दूसरा मैं उसे बहस करूँगा तो फिर अच्छा नहीं पता लगता, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आएगा तो मसला तो होगा ना। अभी जो है फिर से मुझे कचहरी बाज़ार में वापस जाना पड़ेगा, इसमें भी है जो इनकमिंग है, आउटगोइंग इसमें नहीं है, तो इसमें भी देख कर जाना पड़ेगा। आराम आराम से चलते हैं फिर और देखते हैं, फिर जाना तो है, अभी दूसरी तरफ से अगर जाएंगे तो सफ़र लंबा हो जाएगा, फिर बहुत चक्कर लंबा काटना पड़ेगा, तो इधर से जाते हैं फिर, जो होगी फिर देखी जाएगी।
बार आ गए उधर, इधर भी बहुत ज़्यादा रश होता है, तो चलते हैं। भाई ने अभी बनाया है कि नहीं बनाया उसको, क्या कहते हैं, या फिर चेंज करके दे देगा। जी भैया, ये मैंने नई ले ली है एयरबड, ये देख सकते हैं कान में लगा ली है मैंने, तो पता नहीं अभी आवाज़ सही जा रही है कि नहीं जा रही, तो ये तो बाद में पता चलेगा। तो मैंने कहा ये भी शौक पूरा कर लें, अभी फिर मैं हो गया हूँ फ्री, अभी बस घर जाना है मेहर भाई के पास हो लें, तो काफ़ी देर होगी मोबाइल की बैटरी भी लो होगी वीडियो बना बना कर, तो जाना घर। जी भैया, अभी यार हो गए सारे काम मेरे, अभी टर्मिनेटर का साइड हीरो जा रहा है आपका भैया घर, तो अभी फिर से इधर से ऊपर जाना पड़ेगा, घंटा घर को फिर से सलाम करना पड़ेगा, तो इधर से घूम कर दूसरी बाज़ार में जाना होगा, क्योंकि इधर से आउट गोइंग नहीं है, सिर्फ इनकमिंग है, तो उधर फिर बाज़ार में के एंड पर जो है वार्डन लोग खड़े होते हैं, तो इसलिए हमने कहा सोचा इधर से चलते हैं फिर। तो ये आ गया घंटा घर का चौक, इधर से अब हम जाएँगे रेल बाज़ार, वो है आउट गोइंग, तो साथ रहिए मेरे साथ, क्या रहना बल्कि अभी छुट्टी कर दूँ। तो बाय बाय घंटाघर, अभी मैं जा रहा हूँ घंटाघर को, बाय बाय कह दिया है अभी, तो पीछे हमारे घंटाघर रह गया, अभी फिर चलते हैं घर। तो आज के ब्लॉग का भी यहीं पर करते हैं एंड, ये रेल बाज़ार यहाँ पर ज़्यादातर जो है मार्केट ये ज्वेलरी वगैरह के लिए मशहूर है, यहाँ पर प्राइस बहुत भी अवेलेबल हैं, तो अभी फिर आज का ब्लॉग जो है यहाँ पर एंड करते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं आज के ब्लॉग का, मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो हो चुकी है, तो अभी फिर जाना होगा घर जल्दी है। वैसे एक हाथ से मोटरसाइकिल चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ब्लॉगिंग के लिए मुझे करना पड़ता है फिर ऐसे, तो नहीं पता कि आवाज़ ठीक तरह से आ रही है कि नहीं आ रही, तो ये तो बाद में पता चलेगा, तो मैंने कहा बस एंड कर लें ब्लॉग का, तो आपसे जल्द चलते हैं फिर। अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो यहाँ पर ये दरवाज़ा बना हुआ है रेल बाज़ार का, एंट्रेंस का और आउटगोइंग का, तो उसके जो है दरवाजे के बिल्कुल बाहर सामने कुमटी चौक है, ये कुमटी नुमा एक निशान बनाया हुआ है इधर, तो इसमें फवारे लगे हुए हैं, ये भी आपने शायद देखा हो। ये भैया यहाँ पर हमारा फैसलाबाद का सिनेमा हॉल है, ये फिल्म कौन सी लगी हुई है इनविजिबल में नज़र ना आने वाला बनता, तो यहाँ पर हम मूवी वगैरह देखने भी कभी कभार आते हैं, तो ये एक सिनेमा नहीं और भी सिनेमे हैं, तो आप हमारे शहर को इतना आम शहर ना समझ लेना, हमारा शहर भी अभी एडवांस शहर हो चुका है, हमारा शहर फैसलाबाद। ये यहाँ पर है GTS चौक, इसे GTS चौक कहते हैं और अब्दुल रशीद गाजी चौक भी कहते हैं, तो इसके साथ ही जो है बसों वाला अड्डा है, लारी अड्डा जिसे कहते हैं, तो ये भी फैसलाबाद का फेमस चौक ही है, तो उसके आगे जो है पुल आ रही है उसे चाल खानू आने कहते हैं, और उसके आगे सलीमी चौक, स्कैनर रोड और आगे मछली फार्म और आगे रोड ख़त्म, शहर ख़त्म।